हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि टेन एट थीटा माइनस टेन सिक्स थीटा माइनस टेन टू थीटा इक्वल टू टेन एट थीटा टेन सिक्स थीटा और टेन टू थीटा के बराबर कैसे होता है। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो हम जानते हैं कि टेन एट थीटा को टेन टू थीटा प्लस सिक्स थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टेन ये जो फॉर्म राइट टर्म वाला पार्ट है, इसलिए टेन ए प्लस बी के फॉर्म में बैठ रहा है। तो इसे हम एक्सपेंड करके कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ हमने ये फार्मूला लगाया है टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट करें तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि टेन एट थीटा इंटू वन माइनस टेन टू थीटा इंटू टेन सिक्स थीटा इक्वल टू टेन टू थीटा प्लस टेन सिक्स थीटा। अब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कुछ इस प्रकार का टर्म मिल जाएगा, टेन एट थीटा माइनस टेन टू थीटा इंटू टेन सिक्स थीटा इंटू टेन एट थीटा इक्वल टू टेन टू थीटा प्लस टेन सिक्स थीटा। अब यदि हम इस दोनों टर्म को टेन टू थीटा प्लस टेन सिक्स थीटा को लेफ्ट हैंड की तरह शिफ्ट कर दें और इस वाले टर्म को राइट हैंड की तरह शिफ्ट कर दें तो हमें कुछ इस प्रकार का फॉर्म मिल जाएगा, जो कि हमें ये प्रूव करना था। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। अब यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो हम लोग इसी टेक्निक का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।